नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले दोस्तों हमने खुर्शीद भावनगरी जी ने एक बात कही थी, उस पर गौर किया था। उसमें हमने इस पर बात किया था दोस्तों कि जिस तरीके से विस्पे और रतु ने एक बात हम सबसे ये कही है कि जो निचले स्तर के लोक है, जो निचले लोक है, पहले दूसरा और तीसरा, जिसको हम नरक कहते हैं, वो जो लोक है हाल ही में भर रहे हैं, उसमें लोगों की आत्माओं की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये जो बात है दोस्तों हम सबको कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि पृथ्वी के जो अच्छे भी लोग हैं या फिर जो मध्यस्थ भी लोग हैं, जो बहुत ही अच्छे भी नहीं हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं, वैसे जो लोग हैं वो निचले स्तर पर कहीं ना कहीं आज अपने कर्मों से जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो कारण मतलब ये भी है दोस्तों कि ऐसे जो लोग हैं उनको अपने कुछ भी अच्छे से ऐसे विचार उनके नहीं होते, या फिर उनके अगर विचार भी हो तो ऐसे जो लोग हैं जो कुछ मतलब ऐसे भी लोग हैं दुनिया में दोस्तों जो दूसरे को कुछ भी बरगा लेने की कोशिश करेंगे, वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे तो उसके मन में कुछ जहर डालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं दोस्तों दूसरे को मतलब एक अच्छे इंसान को भी अपने में प्रभावित करते हैं और उनसे कहीं ना कहीं गलत काम भी करवाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, ऐसे लोगों से हमें बचने की कोशिश करनी होगी। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग मध्यस्थ अवस्था में हैं, तो ऐसे लोगों को किसी और के मतलब ऐसे बातों में नहीं आना जिससे वो अपने हाथों से कुछ गलत कर्म करे दोस्तों। ये जो बात है हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी जो बातें हैं, समझे मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसे वक्त में किसी ने आकर बोला कि हमारे समाज पर मतलब बहुत ही अन्याय हो रहा है, हमारे और भी मतलब हमारे कौम पर अन्याय हो रहा है, ऐसे वक्त में तुम्हें हथियार लेना होगा और सामने तो मुझे कुछ भी अन्याय होता नहीं दिख रहा है, तो ऐसे वक्त में हमें खुद से सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। हो सकता है कि ऐसे वक्त में मेरे हाथों से ऐसा कुछ बुरा कर्म हो जाए तो मुझे सालों सालों तक ऐसे ही मतलब नरक में पड़ना पड़े और उसका जो पाप का क्षालन है वो पूरा होने के लिए मुझे हज़ारों साल लगे दोस्तों। तो ये जो बात है, पृथ्वी पर हमें कुछ भी नहीं लगेगी, एक छोटी सी बात लगेगी, लेकिन अगर आत्मलोक के लिहाज से देखें तो हम अगर ऐसे बड़े बड़े पाप करें, किसी को मतलब मार डाले या फिर किसी का घर उजाड़ दे, तो ऐसी जो चीज़ है दोस्तों उसको बहुत ही बड़ा पाप कहीं ना कहीं माना जाता है। और ऐसा जो इंसान है बहुत सालों तक वो मतलब आत्मलोक में पड़ा रहेगा, इसलिए उसको बस उस वक्त बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। तो ऐसा जो पल है किसी के भी सामने ना आए, इसलिए मैं आपको विनती करके कहता हूँ कि ऐसे किसी भी बरगलाने के इंसान के झांसे में हमें नहीं आना। जो प्यार है वही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इससे यहाँ पर हो सकता है कि हम अच्छे से महसूस ना करें, लेकिन आत्मलोक में जो प्यार है वो हमें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से दूर करेगा। हम अगर दिल से सच्चेपन से किसी और को मतलब आज दिल मतलब खुशियाँ देने की कोशिश करें, प्यार देने की कोशिश करें, निस्वार्थ भावना से किसी को मदद करने की कोशिश करें, तो ऐसी जो बात है आत्मलोक में हमें बहुत ही ऊँचा उठा सकती है दोस्तों। इसलिए कभी भी हमारे हाथों से ऐसा कर्म ना हो जिससे किसी को दुख लगे, किसी को बुरा लगे, क्योंकि ऐसे जो बात है वो कलम बहुत ही ज़्यादा पछतावे में डाल सकती है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोस भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोस भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे WhatsApp मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।